हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेव टेक स्मार्ट में। नेक्स्ट 12 जनरेशन लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं, तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एचपी। वेट, इस बार एचपी नहीं, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट Asus VivoBook 15 i5 12 जनरेशन। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे Asus लैपटॉप के वीडियो कम ही देखने को मिलते हैं, तो फटाफट करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं काफी टाइम बाद में Asus के लैपटॉप में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, और ये भी देखेंगे कि 12 जनरेशन के बाकी लैपटॉप से कम्पीट कर पाता है या नहीं। तो अगर आप एक Asus के फैन फॉलोअर हो और आपको Asus के लैपटॉप पसंद है, तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो अप्रैल 2022, और जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 72,990 रुपीज। यार ये एसूस वालों का कुछ कह ही नहीं सकते, अब ये लैपटॉप इतनी प्राइस का है ही नहीं और प्राइस इतनी ज्यादा। वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा कितने रुपये का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को करते हैं ओपन। लैपटॉप के बॉक्स कंटेंट की बात करूँ तो एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड दी हुई है, और फ्रेंड 65 वोल्ट का एसी पावर एडाप्टर दिया हुआ है, और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का है। ऐसे एडाप्टर अधिकतर एसूस और लेनोवो ही प्रोवाइड करवाती है, और लास्ट में आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे यूजर मैनुअल्स। तो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप का फर्स्ट लुक, और इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ सेंटर में ही Asus VivoBook की ब्रांडिंग दी हुई है, और जो कलर प्रोवाइड करवाया है वो है ट्रांसपेरेंट सिल्वर है। ओवरऑल इस लैपटॉप की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी आपको ओसम मिल जाएगी, टोटल प्लास्टिक बिल्ड में ही मिलेगा, मेटल नहीं मिलेगी आपको। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैं हाथ में ले रहा हूं तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी जैसी मेरे को फीलिंग आ रही है। इसी के साथ इस लैपटॉप का वेट भी देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप का वेट मिल जाता है 1.6 kg, 15.6 इंच का लैपटॉप है, तो मैं इसे लाइट वेट ही कहूंगा। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो राइट साइड में आपको पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है, HDMI 1.4 पोर्ट, 2 USB 3.2 टाइप ए के पोर्ट दिए हुए हैं, 1 USB 3.2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है जिसे आप डाटा ट्रांसफर पर यूज कर पाओगे, और लास्ट में दिया हुआ है 3.5 mm ऑडियो जैक। और वहीं लेफ्ट साइड में 1 USB 2.0 टाइप ए का पोर्ट दिया हुआ है, LED इंडिकेटर्स दी हुई हैं, एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है, और फ्रेंड्स यहां मुझे काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला है, SD कार्ड रीडर स्लॉट नहीं दिया हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यार अलग से ही परचेज करना रहेगा। और वहीं बॉटम की बात करूं तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आपको एयर वेंट मिल जाता है, और फ्रेंड्स आपको 3 कॉर्नर रबर ग्रिप दी हुई है जो आपके लैपटॉप में हल्का सा स्पेस बनाए रखेंगी, और बॉटम में आपको 2x8 के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं। जब मैं लैपटॉप का बूट सेटअप कर लूँगा तो आपको ऑडियो की क्वालिटी भी टेस्ट कराऊंगा। तो फटाफट लैपटॉप की टॉप लिड को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की टॉप लिड को सिंगल हैंड से ओपन करता हूँ, और फ्रेंड्स यहाँ सिंगल हैंड से ओपन नहीं हो रही है, आपको दोनों हाथ लगाने रहेंगे, और स्क्रीन बबल देख सकते हो आप, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, और यहाँ आपको सेंटर में Asus VivoBook की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, इस लैपटॉप की सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं, Asus ने इस बार अपने लैपटॉप्स में चेंज किए हैं, आप लैपटॉप की टॉप लिड को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। ऐसा फीचर्स अधिकतर Lenovo के लैपटॉप में ही देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार Asus के लैपटॉप में भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, इस लैपटॉप के हिंजेस की क्वालिटी काफ़ी औसम आपको मिल जाएगी। वहीं इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज चिकलेट कीबोर्ड दिया हुआ है, साथ ही आपको नमपैड भी मिल जाता है, लेकिन फ्रेंड्स Asus के लैपटॉप में आपको नमपैड का स्पेस कम ही देखने को मिल रहा है, और साथ ही आपको कीबोर्ड के अंदर ही पावर बटन दिया हुआ है, और फ्रेंड्स जो की ट्रेवलिंग का स्पेस है वो है 1.4 mm, और जैसे ही मैं कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ तो फ्लेक्स भी मेरे को ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ भी मुझे काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला है। 57,000 के बजट में i5 12 जनरेशन के लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिल रहा है, शायद HP की कुछ कॉपी कर रही है कंपनी, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि HP ही करती है ऐसी हरकतें, और आज Asus की भी मैंने देख ली है। वहीं इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे प्रोसेसर की ब्रांडिंग दी हुई है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। फ्रेंड्स, इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए। और इस लैपटॉप के ट्रैक पैड की बात करूं तो ना ही तो लार्ज है ना ही स्मॉल है, ठीक ठाक है, और जैसे ही मैं इस पे वर्क कर रहा हूं तो काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है, और ये मल्टी जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स, इसके ट्रैक पैड में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, तो सिक्योरिटी फीचर्स के लिए ये वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है।
तो फ्रेंड्स मैंने इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लिया है और बूट सेटअप होने में वही 4 से 5 मिनट का टाइम ही लगा है। और आपको तो पता है कि अभी कोई सा भी आप लैपटॉप परचेज कर लो लेटेस्ट जनरेशन का, उसमें विंडोज 11 प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाती है। और इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीपीयू की बात करूं तो 12 जनरेशन का इंटेल i5 1240p प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.7 GHz और इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.4 GHz तक यूज कर सकते हो। 12 कोर, 16 थ्रेड और 12 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। और फ्रेंड्स आप सभी को तो पता ही है कि इस प्रोसेसर में 4 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंट कोर मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेमोरी की बात करूं तो 8GB DDR4 3200 MHz की रैम दी हुई है और आप एक्सटेंड कर पाओगे 16GB तक है। और मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, इसमें सैमसंग कंपनी की रैम दी हुई है। इसी के साथ इसके स्टोरेज ऑप्शंस की बात करूं तो 512 GB की PCIe NVMe SSD दी हुई है इंटेल कंपनी की। और अगर मैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूं तो रीड स्पीड दी हुई है 1135 और राइट स्पीड 825 दी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि स्पीड काफ़ी अच्छी है। और अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512 GB को रिमूव करके आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो। और इस लैपटॉप में कनेक्टिविटी की बात करूं तो लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5 दिया हुआ है। तो मैं आपको नेट की स्पीड भी टेस्ट करा देता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डाउनलोड और अपलोड स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है। अपलोड स्पीड थोड़ी कम है, वो सर्वर का इशू है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। और लास्ट में कर लेते हैं इसके जीपीयू की बात। तो फ्रेंड्स इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स, अब यहाँ कंपनी ने क्या किया है, कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को ही प्रोडक्ट बनानी चाहिए। लेकिन अब ये कंपनी इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स क्या है, ये व्हाट इज दिस, कस्टमर 58,000 पे करेगा इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स। तो फ्रेंड्स 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है। तो मैं इस लैपटॉप के अंदर GTA 5 गेम, वैसे गेमिंग लैपटॉप तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें GTA 5 गेम प्ले करूंगा और देखूंगा कि इंटेल आयरिस एक्सी से बेटर परफॉर्म करेगा या नहीं। नॉर्मल सी बात है यार, इंटेल आयरिस एक्सी बेटर परफॉर्म करेगा, लेकिन पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, फिर मेरा लास्ट में ओपिनियन बताऊंगा। तो फटाफट मैं इसमें GTA 5 गेम प्ले करता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें GTA 5 गेम प्ले किया है HD और फुल HD रेजोल्यूशन पे, वो तो हम आगे वीडियो में कवर करेंगे कि कितनी फ्रेम रेट आ रही है। उससे पहले मैं इसमें वीडियो रेंडर करने जा रहा हूँ उसी सेम फुटेज के साथ जो मैं हर लैपटॉप में करता हूँ। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। 2, 3 तो फ्रेंड्स वीडियो रेंडर हो चुका है और जो टाइम लगा है 2 मिनट 12 सेकंड। अब यार कुछ बोला ही नहीं जा रहा आज, यार हो क्या गया साला मेरे मुंह के भी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस लैपटॉप को देख के, साला i5 12 जनरेशन
1240p प्रोसेसर के साथ टाइम लग रहा है ये, 8GB DDR4 3200MHz की रैम है, i3 से भी लो परफॉर्मेंस, कुछ नहीं कहेंगे। बूटिंग स्पीड टेस्ट करो। तो मैं लैपटॉप को ऑन करने जा रहा हूं, 1 2 3। तो फ्रेंड्स लैपटॉप बूट हो गया है और बूट होने में ओनली 8 सेकंड का ही टाइम लगा है। तो यहां कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं HP को आज ये बीट किया है बूट होने में, अराउंड 2 सेकंड जल्दी बूट हुआ है ASUS का लैपटॉप। और फ्रेंड्स इस लैपटॉप की अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 15.6 इंच की 1080p WVA एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है और वीडियो क्वालिटी आप देख सकते हो काफ़ी ऑसम देखने को मिल रही है। और इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो फ्रेंड्स कहीं भी मुझे क्लियर ये नहीं हो पाया कि इसकी ब्राइटनेस 200 निट्स है या 250 निट्स है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले डेल वोस्ट्रो 5620 का रिव्यू किया था, उस लैपटॉप में WVA डिस्प्ले ही थी फुल HD। तो मैंने इन दोनों ही लैपटॉप्स को साइड बाय साइड वीडियो प्ले किया और कहीं भी मेरे को वीडियो क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। तो मैं उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि इस लैपटॉप में 250 निट्स की ब्राइटनेस दी हुई है और कलर गैमट शो कर ही रहा है, 45% NTSC मिल जाता है। तो यहां मैं कह सकता हूं कि आपको वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिल रही है। इसी के साथ इस लैपटॉप में ऑडियो की क्वालिटी भी टेस्ट करा देता हूं। ऑडियो प्रोवाइड करवाया है सोनिक मास्टर ने, तो देखते हैं एक सैंपल सुन के। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने अभी आपको ऑडियो की क्वालिटी टेस्ट कराई, ऑडियो की क्वालिटी ठीक है, बेस्ट नहीं बोल सकता। तो फ्रेंड्स अभी जो वीडियो आप देख पा रहे हो वो इसी के वेबकैम से रिकॉर्ड हो रहा है और वेबकैम की क्वालिटी मेरे को एवरेज ही देखने को मिल रही है, और आप आवाज जो सुन पा रहे हो वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना आपको वेबकैम की क्वालिटी कैसी लगी। और मुझे एक काफी अच्छी बात लगी, सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें वेबकैम में प्राइवेसी शटर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था ASUS VIVOBOOK X1502ZA, और जो आगे का मॉडल है ऑनलाइन पे जो मॉडल आ रहा है वो EJ आ रहा है, और जो मेरे पास वेरिएंट है मैंने परचेज किया है ASUS के स्टोर से, उसका मॉडल है BQ। अब फ्रेंड्स इसमें इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स नहीं है जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, और अमेजोन पे दिखा रहा है इंटेल आयरिस एक्सी EJ मॉडल में। तो फ्रेंड्स सोच समझ के ही मॉडल परचेज करना, और किसी भाई ने अगर परचेज किया है तो मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और इस लैपटॉप की मैंने ओवरऑल परफॉर्मेंस, वीडियो रेंडर, वैसे गेमिंग लैपटॉप नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसमें GTA 5 गेम प्ले किया था, और जो रिजल्ट मेरे सामने आया है बिलीव नहीं हो रहा है। फुल HD रेजोल्यूशन पे जो FPS आ रही थी 10 to 11 FPS, और HD रेजोल्यूशन पे 30 FPS की फ्रेम रेट, क्या ही परफॉर्मेंस है कुछ कह नहीं सकता। और वीडियो रेंडर होने में भी काफ़ी टाइम लगा रहा था। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 cell 42 watt hour की बैटरी दी हुई है, तो आपको अराउंड 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये वाला मॉडल अभी ऑनलाइन पे लिस्टेड नहीं हुआ है, EJ करके मॉडल आ रहा है, उसकी प्राइस आ रही है 58,000। अब उसमें अमेजोन पे दिखा रहा है इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स के साथ। अगर फ्रेंड्स इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स के साथ आता है तो शायद आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाए। और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के ड्रॉबैक की। तो अगर ये लैपटॉप 58,000 में ऑनलाइन पे मिलता है तो आपको 58,000 में इंटेल USD ग्राफिक्स, परफॉर्मेंस कुछ ही नहीं है, गेम प्ले किया उसकी भी परफॉर्मेंस कुछ ही नहीं है, और फ्रेंड्स इसके ट्रैकपैड में भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रही है। तो ओवरऑल मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, ये लैपटॉप परचेज मत करना किसी भी कंडीशन में, नहीं वरना आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इस प्राइस पॉइंट पे तो यार काफी सारे मार्केट में 12 जनरेशन के साथ लैपटॉप आ रहे हैं, वो वाले आप लैपटॉप जरूर चेकआउट कर लेना। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों का बजट 60 या 62,000 के आसपास है तो आप HP का EG2009TU लैपटॉप परचेज कर लेना। उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ मैंने टेस्ट किया है, और इस वीडियो के बाद में आप वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिना किसी डाउट आप उस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। और फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूं, अगर मैं इस लैपटॉप को ASUS के K15 OLED i3 11 जनरेशन से भी अगर मैं कंपेयर करूंगा ना तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिल जाएगी। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपके काफी ज्यादा डाउट बढ़ गए होंगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।